हैदराबाद में युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक निहाली में दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी। अंतर धार्मिक विवाह से गुस्साए पत्नी के परिवार वालों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया है। मृतक का नाम नागराजू बताया जा रहा है। 25 साल का नागराजू एक कार शोरूम में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। बुधवार को वो अपनी पत्नी अशरीन सुल्ताना के साथ बाइक पर जा रहा था। सरूर नगर थाना क्षेत्र के GHMC कार्यालय के पास पहुंचते ही उस पर 4 से 5 लोगों ने हमला कर दिया। नागराजू पर हमलावरों ने लोहे की रॉड से वार किया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पत्नी सुल्ताना का आरोप है कि उसके भाई और कुछ अन्य लोगों ने नागराजू पर हमला किया था। इस मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुल्ताना के भाई और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नागराजू रंगारेड्डी जिले के मरपली गांव का रहने वाला था, जबकि सुल्ताना उसके पड़ोसी गांव खानापुर में रहती थी। दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन सुल्ताना का परिवार नागराजू के खिलाफ था। नागराजू और सुल्ताना अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वो एक दूसरे को कक्षा 10वीं से जानते थे। जनवरी में उनकी शादी हैदराबाद के एक आर्य समाज मंदिर में हुई थी। सुल्ताना ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर पल्लवी रख लिया था। उसके परिवार ने कथित तौर पर नागराजू को धमकी भी दी थी और उससे दूर रहने को कहा था, लेकिन जब राजू ने ऐसा नहीं किया तो बुधवार की शाम नागराजू और फातिमा जब अपने घर से निकले थे, तभी सरूर नगर में 2 लोगों ने इनकी बाइक को रोक लिया। हमलावरों ने युवा जोड़े पर लोहे की रॉड से वार किया और नागराजू को सरेराह पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद स्थानीय BJP कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।